नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिन ऑर्ज पे। HFCL के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? क्या ये शेयर यहाँ से तेजी बना सकता है? कंपनी कैसा बिजनेस यहाँ पे कर रहा है? टेक्निकली HFCL का शेयर कैसा है? क्या ये शेयर में आगे चल के एक रिटर्न देखने को मिल सकता है? देखिए, HFCL को लेकर देखेंगे तो कुछ दिन में जो है शेयर में एक जबरदस्त तेजी बना, फिलहाल अभी शेयर डाउन चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों HFCL के शेयर को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के पूरा बने थी, केपीपी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनऑर्ज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। HFCL का दोस्तों देखते हैं तो देखिए शेयर जो है कुछ दिन में एक जबरदस्त तेजी बनाया है और अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि HFCL का शेयर जो है एक दिन में लगभग 2.1% डाउन हुआ है दोस्तों। वही बात करते हैं, एक हफ्ते में 8.8% ये शेयर डाउन हुआ है। वन मंथ में 7.4% HFCL का शेयर डाउन हुआ है। HFCL का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका जो ड्यूरेबिलिटी है जो कि 50 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 28.80 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 49.80 है आउट ऑफ 100। HFCL के शेयर में अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वन मंथ में जो है ये शेयर ने बोल सकते हैं कि जो एक हाई प्राइस बनाया है HFCL के शेयर ने जो कि 106.35 पैसे का है और जो लो प्राइस बनाया है 89.55 पैसे का। एक हफ्ते की बात करते हैं जो हाई प्राइस बनाया है 102.60 पैसे का और जो लो प्राइस है 90.20 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने HFCL के शेयर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है दोस्तों। शेयर का प्राइस जो है बीच में ज़बरदस्त तेजी बनाया था HFCL के शेयर का प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं HFCL का जो कि 13,229.3 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों HFCL का। अभी यहाँ पे देख सकते हैं HFCL का जो बोलते हैं टेक्निकली जो है ये मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है HFCL को लेके, जहाँ पे टेक्निकली शेयर देख सकते हैं एक न्यूट्रल लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर एक बेयरिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं HFCL का दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास देखिए 37.84% है HFCL का। प्रोमोटर्स के पास 37.84% का स्टेक था। प्रोमोटर्स ने जो यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 37.68% का स्टेक किया है। तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है। अभी प्रोमोटर्स के पास जो है 37.68% का स्टेक है। FIS के पास 7.66% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 5.43% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 1.88% का स्टेक है। पब्लिक के पास 47.28% का स्टेक है। जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पे कैसा कर रहा है, मतलब कंपनी का यहाँ पे बिजनेस कैसा है, तो देखिए अभी HFCL का बोल सकते हैं कि जो 52 का हाई प्राइस है शेयर को लेकर आप देखते हैं, जहाँ पे इसका 52 का जो हाई प्राइस है 118 रुपीज़ का इसका हाई प्राइस बना है 52 का, और जो लो प्राइस बना है 61.50 पैसे का। स्टॉक PE 40.0 का है। बुक वैल्यू 27.4 है। HFCL का दोस्तों यहाँ पे कंपनी को लेकर देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं यहाँ पे, जहाँ पे देख सकते कंपनी जो यहाँ पे HFCL का जो सेल्स है, HFCL का जो सेल्स है वो डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है, रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 1.18% ओवर जो है इसका 5 ईयर्स में। एंड कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि यहाँ पे देख सकते 10.7% पिछले 3 साल से। प्रोमोटर प्लेज जो है यहाँ पे शेयर जो है प्लेज है 44.5% के आसपास। डिविडेंड पे आउट जो है लो है 8.59% पिछले 3 साल से। कंपनी का जो यहाँ पे देख सकते हैं बोल सकते हैं कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज किया गया है पिछले 3 साल से 4.37% के आसपास। तो अभी यहाँ पे कंपनी का बोल सकते कि HFCL का जो बोल सकते जो इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन Q4 24 का देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पे सेल्स देख सकते हैं 1,032 करोड़ से जंप होके 1,326 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं 916 करोड़ से जंप होके 1,330 करोड़ का मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 117 करोड़ से जंप होकर 196 करोड़ हुआ है। एंड बात करते हैं दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है HFCL का, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 108 करोड़ से जंप होकर 149 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 82 करोड़ से जंप होकर 109 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का Q4 24 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे एक ज़बरदस्त कंपनी को जो है प्रॉफिट वगैरह हुआ है, सेल्स में जंप देखने को मिला है, रेवेन्यू जबरदस्त जंप हुआ है। तो कंपनी को लेके थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। कंपनी जो है HFCL जो कंपनी है इसका देख सकते जो प्रोडक्ट्स वगैरह है जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इंडोर एंड आउटडोर वाईफाई है, क्लाउड बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, हाई जो बोल सकते कि डेंटिसी कैबिनेट्स है, PCL स्प्लिटर्स, रेलवे कम्युनिकेशन, ये सब में इसका बिजनेस है। सेक्टर्स की बात करते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स जैसे कि रेलवे सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से, ऐसे कुछ सेक्टर्स है इसका जहाँ पे इसका बिजनेस है, यूटिलिटीज एंड सिक्योरिटीज। तो अभी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू को लेकर समझते हैं दोस्तों Q3 फाइनेंशियल 24 का। देखिए पब्लिक टेली कम्युनिकेशन जो इसका है, जहाँ पे 89% इसका रेवेन्यू हुआ है,
ए अंडर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 8% रेवेन्यू एंड रेलवे कम्युनिकेशन से 3% के आसपास रेवेन्यू हुआ है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, HFCL के पास बहुत सारे ऑर्डर्स है। अब देख सकते हैं एज ऑफ मतलब एज ऑफ Q3 24 का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास जो है लगभग 7,678 करोड़ का जो है ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होकर यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे बुक वॉज ऑर्डर बुक जो वॉज 7,678 करोड़ इंक्रीज फ्रॉम 5,280 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का बोल सकते कि जो ऑर्डर बुक है 5,280 करोड़ से जो है इसका ऑर्डर बुक जो है यहाँ पे इंक्रीज होकर यहाँ पे 7,678 करोड़ का हुआ है। आउट ऑफ टोटल ऑर्डर वो कंपनी का जो है बोल सकते कि यहाँ पे जो है देख सकते कि वैल्यू जो है 5,733 करोड़ का इसका वैल्यू वगैरह है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज है उसको लेके बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लेके बात करते हैं, प्रेजेंटली जो कंपनी जो है इसका लगभग 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस तेलंगाना, तमिलनाडु एंड गोवा। तो इसके 5 ऐसे मतलब सकते मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब है तेलंगाना, तमिलनाडु और गोवा में। तो कंपनी का जो है बताया जा रहा है यहाँ पे फोकस्ड ऑन BND। तो कंपनी HFCL जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस स्प्रेडिंग प्रोडक्ट इनोवेशन थ्रू टेक सेंट्रिक R&D ऑपरेटिंग इन बेंगलोर, गुड़गांव एंड हैदराबाद। प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट्स लाइक 5G इंडोर एंड आउटडोर, FWA एंड CPE, 5G रेडियो, 5G रेडियो, 8T सर्वेलेंस रीडर्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे कंपनी फिलहाल अभी R&D वगैरह कर रहा है। और यहाँ पे R&D वगैरह जो कंपनी कर रहा है मतलब हो सकता है कि देखिए अभी इसका जो प्रोडक्ट्स लेकर समझते हैं तो बहुत सारे इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका आगे चल के डिमांड बहुत ज़्यादा या फिर बोल सकते कि बिजनेस जो इसका बढ़ सकता है। दोस्तों सब्सिडरीज को लेकर बात करते हैं, कंपनी के पास बहुत सारे इसका सब्सिडरीज है, HTL लिमिटेड है, मतलब इसका सब्सिडरी को देखते हैं जो HFCL का सब्सिडरीज है, HTL लिमिटेड है, पोक्सेल सिक्योरिटीज है, ऐसे बहुत सारे कुछ सब्सिडरीज है HFCL का जिसका मतलब जिसके जरिए जो है मतलब बोल सकते कि बिजनेस वगैरह कर रहा है। अभी HFCL का एक चीज़ अगर समझते हैं तो देखिए कंपनी जो है फिलहाल शेयर का प्राइस जो है थोड़ा डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड वगैरह HFCL नहीं दे रहा है। कंपनी का यहाँ पे जो Q4 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया HFCL ने, जहाँ पे इसको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। अभी हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर है मतलब HFCL का जो शेयर है थोड़ा बहुत ऐसे डाउन हो, यहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों HFCL का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।